हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 के बारे में। आज की डेट क्या है, 4/8/2021, और ये जो है सोशल साइंस की वर्कशीट है बच्चों। आज ये जो वर्कशीट है क्लास 7th की है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के दिन ही शाम को हमारे यहाँ क्या रही है, एक थैंक्स वीडियो आ रही है, जिसमें आप सभी के कमेंट्स को क्या करा जाएगा, शो करते हुए आप सभी को थैंक्स बोला जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में अपना नेम लिखकर जो भी आप सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। तो इस वर्कशीट का टाइटल क्या है बच्चों, एनवायरनमेंट है, ठीक है। क्या है, एनवायरनमेंट है। तो आइए देखें इसमें क्या दिया गया है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। लंबी छुट्टियों के बाद गर्मी की जब रवि क्या करता है, स्कूल जाना प्रारंभ करता है। ही नोटिस डैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू स्कूल वॉज ब्रुक अप, पीपुल सेट डैट ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट वॉज कंस्ट्रक्टेड देयर, रवि ऑलमोस्ट इन टीयर। होता क्या है, रवि देखता है कि स्कूल के पास में क्या हो रहा है, जो प्ले ग्राउंड था अब उसे हटा कर क्या वहाँ पर बनाई जा रही है, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें बहुत से फ्लैट्स होंगे। और रवि क्या हो जाता है बच्चों, रवि की आँखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। व्हेन ही रियलाइज डैट द बिग प्ले ग्राउंड विद द सॉफ्ट ग्रास मैरी गोल्ड्स ब्यूटी बटरफ्लाइज इज गोइंग फॉर एवर, ठीक है। जब उसे ये चीज़ रियलाइज होती है और पता चलता है कि जो यहाँ पर प्ले ग्राउंड था बड़ा सा, जिसमें सॉफ्ट क्या थी, घासें लगी हुई थी, मैरी गोल्ड फ्लावर्स लगे हुए थे, ठीक है, और बटरफ्लाइज जो हमेशा के लिए अब क्या हो रही हैं, यहाँ जा रही हैं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट, और उसने अपने क्लासमेट से ये फीलिंग शेयर करी। द असेंबली ऑफ द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल जब असेंबली के लिए आए तो उन्होंने देखा कि असेंबली जो थी पूरी वो बहुत ज़्यादा सैड थी। ही सॉ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, उन्होंने देखा कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि क्या करता है, टीचर से आस्क्ड करता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ठीक है, वहाँ पूछता है एनवायरनमेंट है क्या। व्हाट एवर यू सी इन सराउंडिंग, ठीक है, तो वो रिप्लाई करते हैं जो तुम अपने चारों तरफ देख रहे हो वो है एनवायरनमेंट। रवि थॉट अलाउड द मीन्स द बिल्डिंग स्कूल टेबल चेयर क्लास रूम एवन डैट ओपन फील्ड रोड गार्बेज My friends, all the part of our environment. इसका मतलब है कि ये सभी चीज़ें जो स्कूल बिल्डिंग है, ठीक है, टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो कूड़ा कचरा है, ये सभी क्या है, environment है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच एबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिस्ट मेक करनी है, दे थिंग्स एबल इन हाउस होल्ड, थिंग्स एबल इन नियर बाय नियर हाउस, थिंग्स एबल इन द स्कूल। देखो स्कूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो स्कूल में पाई जाती है बच्चों टेबल, क्या पाया जाता है, चेयर पाई जाती है, ठीक है, ये दो चीज़ें लिख दीजिएगा, ठीक है। बाय नियर में क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ठीक, ट्री पाए जाते हैं हमारे घर के आसपास, क्या पाई जाती हैं, बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, ठीक। और हाउस होल्ड्स में क्या लिख देंगे, घर के अंदर क्या है, घर के अंदर बच्चों हो जाएगी टीवी आपकी, ठीक, टीवी के बाद हो गई, घर में ही आपके क्या होता है, टेबल होती है, ठीक है, और घर में क्या होती है आपकी, चेयर होती हैं, तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है, आर ऑल द थिंग्स आर सेम, ठीक है, क्या सारी चीज़ें क्या हैं, सेम हैं, तो सारी चीज़ें क्या हैं, सेम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। तो आगे आइए देखें क्या दिया गया, बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट एंड एनिमल, जो बायोटिक होता है वो क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स जैसे कि, ठीक, और ए बायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग जो हमारे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, जैसे लैंड हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, द प्लेस पीपुल थिंग्स नेचर सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है, जो चीज़ें जो ऐसे कि हमारे, देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है बच्चों, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ जो होते हैं, नेचर, पीपल, थिंग्स और प्लेस जो होता है वो सभी क्या कहलाती हैं, इन्वायरमेंट कहलाती हैं। और द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन, जो नेचर और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन होता है,
ठीक है, फिनोमिना जो होता है वाइल द नेचर एनवायरनमेंट रिफर टू बोथ, ठीक है, नेचर क्या करती है दोनों को रिफ़र करती है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होती है दोनों को रिफ़र करती है, बायोटिक भी और क्या होता है एबायोटिक भी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन दोनों का, ठीक है, और बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ों को क्या है एनवायरनमेंट रिफ़र करता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के टाइप्स की बात कर लें, एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो लिथोस्फीयर, ठीक है, पार्ट्स की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट के पास में आ जाएगा लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो आज हम लोग किसके ऊपर अब बात करेंगे, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होती है, इज़ अ सॉलिड क्रस्ट, ये क्या होती है एक सॉलिड क्रस्ट होती है और द हार्ड पार्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और अर्थ का हार्ड पार्ट जो होता है लेयर का वो होता है, ठीक है। यानी कि जो हम जिस ज़मीन पे चलते हैं, जिस लैंड पे हम लोग चलते हैं वो क्या है लिथोस्फीयर है। इट मेड अप ऑफ रॉक मटेरियल, ठीक है, एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। ये क्या होता है, रॉक से बना होता है, मटेरियल से बना होता है, और थिन लेयर किसकी होती है इसके ऊपर, सॉइल की एक बहुत ही पतली लेयर होती है। इट इरेगुलर सरफेस, ठीक है, ये कैसी है, एक इरेगुलर सरफेस है। द वेरियस लैंड फॉर्म्स सच प्लैनेट्स, ठीक है, सच माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली, ठीक है। क्या होता है ये इरेगुलर फॉर्म होती है, यानी कि ये बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, कहीं पे ऊंची हो जाएगी, कहीं पे नीची हो जाएगी, कहीं पे इस तरीके से हो जाएगा। इस पर क्या क्या पाए जाएंगे, देखो, माउंटेन पाया जाएगा, प्लेट्यू पाया जाएगा, ठीक है, प्लेन्स पाए जाएंगे, तो ये सब चीज़ें क्या हैं इस पर पाई जाएंगी। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो द ओशन फ्लोर, ठीक है। क्या होता है लैंड फॉर्म्स जो हैं ये कॉन्टिनेंट्स में भी होती हैं, जो ओशन होता है हमारा समुद्र उसके अंदर में भी होती हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन प्रोवाइड अस फॉरेस्ट ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। देखो होता क्या है, लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, लैंड्स प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमन के लिए क्या करता है सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो सिक्योर सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, जो मिनरल्स होते हैं हमारे उनके भी क्या है सोर्स है। तो मेंशन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक, ठीक है, बायोटिक का कोई एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो बायोटिक का एक एग्जाम्पल बच्चों क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट, ठीक, प्लांट्स, और आपको क्या है डेफिनेशन देनी है लिथोस्फीयर की, ठीक है, ओन लैंग्वेज में। तो देखिए ओन लैंग्वेज में दे दीजिए, चाहे आप इसमें से ही लिख सकते हैं, तो आप क्या करिएगा यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आप क्या करिए लिथोस्फीयर की डेफिनेशन लिख दीजिए, ये आंसर नंबर टू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा, वरना ये आंसर भी क्या है करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइए, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद बच्चों।